आज हम लोग बात करने वाले हैं रूम में जो CFF की जो यूज़ करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। कोई एक रूम डिनोट कर दिया हमने, रूम नीड टू बी CFM, इसको रूम ए हम कर दिए। इसी के थ्रू हम लोग अभी कैलकुलेशन करेंगे। तो डक्ट CFM कैलकुलेशन कैसे करते हैं और क्यों ज़रूरत होता है? CFM इसलिए ज़रूरत होता है कि उस रूम में कितने CFM की नीड है, इट मीन्स कि एयर की कितनी नीड है, एयर की कैपेसिटी की बात करेंगे हम लोग। तो रूम CFM क्या होता है? रूम CFM जो होता है कि उस रूम में कितना CFM आएगा, कितना लोड लग रहा है। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि रूम लोड बाई होल हाउस लोड एंड इक्विपमेंट CFM। अब सपोज मान लीजिए कि रूम लोड क्या है, रूम लोड में आप कितना एयर फ्लो कर रहे हैं, रूम का लोड क्या है, रूम का जो है लोड, इट मीन्स कि लोड कहने का मतलब कितने लोग रहते हैं उसमें, कितने किस तरफ से जो ये है सन का लाइट है वो एक्सपोज है वॉल लाइट। फिर होल हाउस लोड जो है ना कि टोटल हाउस का लोड कितना है। और फिर इक्विपमेंट, अगर मान लीजिए इक्विपमेंट पे कोई भी चीज़ आ जाए, मशीन है, कंप्यूटर है, या फ्रिज है, कुछ भी है, या हमारा फर्नेस वगैरह जल रहा है कहीं भी, तो उस सब के बारे में हम लोग इस पर आज हीट लोड रूम CFM निकालने वाले हैं। एग्जांपल मान लीजिए कि रूम नीड जो है ना 2000 BTUs है। BTUs का मतलब होता है कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स। होम ओवरऑल नीड कितना है? 24,000 BTUs, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बताना चाह रहे थे आप लोगों को। अब बात करने वाले हैं हम लोग कि इसमें जो है हीट लोड तो हम निकाल लिए, अब सॉरी इसके बाद CFM की बात करने वाले थे ना। होम ओवरऑल नीड 24,000 BTUs, रिक्वायर्ड कितना चाहिए? 2 टन। और फर्नेस विथ वेलोसिटी 800 CFM है। अब हम लोग को क्या निकालना है, रूम का CFM निकालना है ना। तो चलिए हम लोग फार्मूला के साथ पुट करने वाले हैं। 24,000 BTUs डिवाइडेड 1200 BTUs इन 1 टन, कहने का मतलब है कि जो 24,000 BTUs है ना 12,000 के बराबर इक्वल में होता है, डिवाइड करना पड़ेगा पहले, ठीक। फिर उसके बाद जो हमारा वैल्यू आएगा 2 टन इंटू 400 CFM पर टन इक्वल टू कितना? 800 CFM। अब CFM जो एक्चुअल रूम की बात करेंगे ना, तो रूम में CFM कैसे निकालते हैं? तो रूम में CFM निकालने के लिए 2000 BTUs जो हमारा जो एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिए थे कि जितना रिक्वायर्ड है रूम में, तो 2000 BTUs डिवाइडेड 24,000 BTUs इनटू 800 CFM, इसीलिए रूम ए इक्वल टू 66.67 CFM। ये आपका कैलकुलेशन आ गया। इसी फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं कि CFM को फाइंड करते हैं और उसका वैल्यू निकालते हैं। जब आप लोग एक एज अ साइट इंजीनियर हैं, तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ों की जानकारी रखनी पड़ती है।